हेलो एवरीवन। तो ये वीडियो पिछली वीडियो की कंटिन्यूएशन है और इसके अंदर हम कवर करेंगे कि हम मल्टीपल डीएफएस को कंबाइन क्यों कर रहे हैं और जिससे कि हमारी जो लेक्चर की फाइनल इम्प्लीमेंटेशन है वो आसान हो जाएगी। तो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है जो कि हमने इग्नोर किया था अभी तक, कि हम हमारे डीएफए को हाथ से मैनुअली बनाएंगे जैसे हमने ऊपर बनाया था कि एक एक स्टेट डिफाइन की फिर एक एक ट्रांजिशन डिफाइन की वैसे करेंगे, या हम इसको ऑटोमेट कर सकते हैं। तो इसका आंसर है हाँ, हम इसको ऑटोमेट कर सकते हैं, लेकिन इसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है मतलब कोड लिखने में अपने को ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इनके अलग अलग ट्रेड ऑफ हैं। तो मैनुअल का क्या ट्रेड ऑफ है? मैनुअल के लिए हमें मेहनत तो लगेगी लेकिन हमारा जो लेक्चर है वो फास्ट काम करेगा, तो इसमें एक बार की मेहनत है लेकिन ये पूरा फास्ट काम करेगा। और एक और चीज़ कि अगर हमें मान लिया कि डीएफए कभी फ्यूचर में चेंज करना हुआ तब हमें यहाँ पे दिक्कत आ सकती है। ऑटोमेट के अंदर क्या होगा? ऑटोमेट के अंदर हम बेसिकली रेगुलर एक्सप्रेशन लिख देंगे बस, और हम जानते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन से एनएफए की एल्गोरिथम एग्जिस्ट करती है, एनएफए से डीएफए की एल्गोरिथम एग्जिस्ट करती है। तो अगर मैं अपनी एल्गोरिथम लिख दूँ रेगुलर एक्सप्रेशन से एनएफए कन्वर्ट करने की, एनएफए से डीएफए कन्वर्ट करने की, तो मेरा ऑटोमेटिकली डीएफए आ जाएगा, मेरे को मैनुअली स्टेट्स वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये हो गई बात। अब क्योंकि हमारा जो एग्जाम्पल है वो सिंपल से एग्जाम्पल होते हैं तो हम इसको ऑटोमेट की बजाय मैनुअल के अंदर ही काम करेंगे, और अब तक हमने जितने भी डीएफए हैं वो बना ही चुके हैं हम एक साथ, तो अभी हम अपने को रेगुलर एक्सप्रेशन वगैरह के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं अपन कि हमें डीएफए को कंबाइन क्यों करना है। तो हमने देखा कि हमारे पास बहुत सारे डीएफए हो सकते हैं, जैसे कि मान लिया इक्वल साइन का एक डीएफए जिसके अंदर सिर्फ दो ही स्टेट है, नॉट इक्वल टू साइन के, लेस देन इक्वल टू, ये बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं, इनके बहुत सारे डीएफए बन सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नंबर्स के डीएफए थे, उसके बाद हमारे पास इसके कमेंट्स के डीएफए थे, बहुत सारे डीएफए थे। तो इन सभी को अगर मैं लिखना चाहूँ तो मेरे बहुत सारे फंक्शंस बनेंगे कोड के अंदर, और वे सारे फंक्शंस क्या होंगे? एक एक टेबल बनाएंगे, ठीक है ना? तो दिक्कत का काम है वो, क्योंकि हमें बहुत सारी टेबल्स का ध्यान रखना पड़ेगा, अलग अलग डीएफए बनाने पड़ेंगे, और ये मेमोरी भी ज़्यादा लेंगे, टाइम भी ज़्यादा लेंगे, ज़्यादा फंक्शंस कॉल होंगी। तो इन सभी को रिड्यूस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम दो डीएफएज को कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, डीएफए कंबाइन कर दिया, लेकिन क्या डीएफए कंबाइन करना इतना आसान है? और इसका आंसर है नो, ऑब्वियसली। अब डीएफए हम कंबाइन कैसे करते हैं? तो डीएफए को कंबाइन करने का पहला तरीका तो ये है, मैनुअल तरीका, मैनुअल भी नहीं मतलब एल्गोरिथमिक तरीका, कि मान लिया मेरे पास ये है डीएफए 1 और मेरे पास ये बहुत सारी फाइनल स्टेट्स हैं इसकी, ये किसकी स्टार्ट स्टेट है, और ये है मेरा डीएफए 2, इसकी बहुत सारी फाइनल स्टेट हो सकती है डीएफए 1 की तरह, और ये मेरा स्टार्ट स्टेट। तो इनको कंबाइन करने के लिए क्या होता है? मैं एक नई स्टेट डिफाइन करता हूँ, इससे मैं एप्सिलॉन ट्रांजिशन लेता हूँ, इससे मैं एप्सिलॉन ट्रांजिशन लेता हूँ, और फिर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद मेरा जो फाइनल डीएफए होगा, फाइनल डीएफए मेरा ऐसे काम करेगा कि इसकी स्टार्ट स्टेट ये हो गई और ये मेरे बहुत सारे फाइनल स्टेट हो गई बड़े डीएफए की। तो ये जो मेरा बड़ा डीएफए है इसके अंदर मेरी स्टार्ट स्टेट होगी, ये मेरी फाइनल स्टेट होगी, और इन सभी को कंबाइन करके मेरा आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, हमको इसके अंदर नहीं जाना है, हमको क्या करना है? अच्छा, वैसे इसके अंदर हम क्यों नहीं जा रहे? हम इसके अंदर इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि ये जो हमारा एप्सिलॉन ट्रांजिशंस हैं ये इनकी हमें ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारे जो डीएफए हमने बनाए हैं अब तक वो सारे इंडिपेंडेंट ही हैं। इसका मतलब ये है कि एक बार में मैं एक से ज़्यादा डीएफए के अंदर ट्रांजिशन कर ही नहीं सकता मोस्ट केसेज में। कुछ केसेज हैं जहाँ पे मैं ट्रांजिशन कर सकता हूँ, जैसे कि मान लिया ये मेरी स्टेट नंबर 1 है, स्टेट नंबर 2 है, ये मेरा डीएफए एक्सेप्ट कर रहा है इक्वल टू साइन को। ठीक है, अब मेरे पास दूसरा डीएफए है जिसके अंदर मैं इक्वल टू साइन को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। अब मेरे को अगर इन दोनों डीएफए को कंबाइन करना है तो मैं एक स्टार्ट स्टेट बनाऊँ, ये मेरी एप्सिलॉन ट्रांजिशन हुई, ये मेरी एप्सिलॉन ट्रांजिशन हुई, तो एक तरह से क्या बनेगा मेरा? एक तरह से इक्विवेलेंट जो मेरा डीएफए बनेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा, 1 2 3, जहाँ पे ये इक्वल टू का है, ये इक्वल टू का है, हम वेरीफाई कर सकते हैं कि ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट हैं। लेकिन अपने को तो ये नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि ये डीएफए जो दोनों डीएफए हैं इनका काम ही अलग अलग है। इसका मतलब है ये कर रहा है एक्सेप्ट इक्वल टू, इसका मतलब है ये कर रहा है एक्सेप्ट डबल इक्वल टू। तो अगर मैं इन डीएफए को कंबाइन करूँ तो मतलब कि क्या होगा, क्या रिटर्न करूँ मैं? ट्रू फॉल्स रिटर्न करने से अब मेरा काम नहीं चलने वाला। मैं रिटर्न करूँगा अब कि कौन सा टोकन है। तो पहले हम क्या कर रहे थे, रिकॉग्नाइजर के अंदर हम रिटर्न कर रहे थे ट्रू फॉल्स, अब हम रिटर्न करेंगे कि मेरा कौन सा टोकन है। तो मैं यहाँ पे क्या रखूँ, रिटर्न टोकन अंडरस्कोर इक्वल,
और यहाँ पे मैं लिख दूँ कि रिटर्न टोकन अंडरस्कोर, क्या लिखूँ, इक्वल चेक, इक्वलिटी चेक करने के लिए। और इक्वल की बजाय अगर मैं इसका नाम असाइनमेंट दे दूँ तो और ज़्यादा फॉर्मल, मतलब अच्छा सा रखे रहेगा, तो ये मैं लिख दूँ असाइन। तो जो मेरा DFA होगा फाइनली, उसके अंदर क्या होगा, अभी जो हमने ट्रांजिशन मैट्रिक्स बनाई थी, ट्रांजिशन मैट्रिक्स के अंदर हमें कोई कुछ चेंज नहीं करना है, मतलब जो हमारे रूल्स थे वही रहेंगे। लेकिन जो अब हमारी एक्सेप्टिंग स्टेट्स हैं उसके अंदर हमें ट्रू फॉल्स की बजाय कुछ और स्टोर करना होगा। क्या स्टोर करना होगा? तो अब एक्सेप्टिंग स्टेट्स के अंदर हम स्टोर करेंगे कि ये हमारा कौन सा टोकन है। तो मैं एक टोकन डिफाइन करता हूँ कि टोकन अंडरस्कोर नन। इस टोकन का मतलब होगा कि हमने अब तक कुछ रिटर्न किए नहीं है, मतलब बेसिकली ठीक है, इस डिटेल में नहीं जा रहे। हम क्या करेंगे, हम एक्सेप्टिंग स्टेट के अंदर, इसके अंदर कितनी स्टेट्स हैं मेरी, एक है, दो है, तीन है, तो इंडेक्स की बात करूँ तो ये इंडेक्स नंबर 0 पे चले जाते हैं, ये इंडेक्स नंबर 1, ये इंडेक्स नंबर 2, इंडेक्स नंबर 0, इंडेक्स नंबर 1, इंडेक्स नंबर 2। यहाँ पे मैं स्टोर करूँ टोकन अंडरस्कोर असाइन, ठीक है, यहाँ पे मैं स्टोर करूँ टोकन अंडरस्कोर इक्वलिटी या इक्वल चेक, और 0 के ऊपर मैं स्टोर करूँ -1, जहाँ पे -1 का मतलब है ये अपनी कोई फाइनल स्टेट नहीं है, ठीक है। लेकिन इसका डाटा टाइप क्या होगा, इसको मैं स्टोर कर सकता हूँ NM के अंदर, तो मैं क्या करूँ, NM, ये मैं लिख रहा हूँ C++ या जो भी है, C के अंदर ये कोड काम नहीं करेंगे NM का, उसके लिए सिंटेक्स देख सकते हैं। तो C++ के अंदर हम कैसे लिखेंगे, NM टोकन टाइप, यहाँ पे हम लिखेंगे मान लिया TK_assign इक्वल टू 0, उसके बाद लिखेंगे TK_equality इक्वल टू 1, काम खत्म। बढ़िया, और क्या चाहिए था अपने को, अपने को और कुछ नहीं चाहिए था, हमारा काम हो गया। अपने क्या था कि इसके कोरस्पॉन्डिंग, चलो अब वो बनाते हैं, क्या बोलते हैं, हमारे पास तीन स्टेट्स है ना, ट्रांजिशन मैट्रिक्स बना के देखते हैं अब इसके, ये 0, ये 1, ये 2, कहीं ना कहीं मेरा इक्वल टू का आएगा, और मेरे पास सिर्फ इक्वल टू का ही सिंबल है, तो इक्वल टू के अलावा बाकी सारी एंट्री -1 होंगी, ठीक है। अब 0 के ऊपर इक्वल टू आया, मैं जाऊंगा स्टेट 1 पे, 1 के ऊपर इक्वल टू आया, मैं जाऊंगा स्टेट 2 पे, 2 के ऊपर कुछ भी आया, मैं जाऊंगा -1 पे, खत्म। मैंने DFA से कंबाइन कर दिए। तो अभी DFA कंबाइन करने के लिए हमें कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, हमें उन चीज़ों का ध्यान रखना है कि दो DFA अगर मैं कंबाइन कर रहा हूँ, मैं एक बार में किन्हीं दो जगह नहीं जा रहा, क्योंकि नहीं तो वो NFA बन जाएगा, हम जानते हैं, जैसे इस तरह कि अगर मैं स्टेट नंबर 0 में था, स्टेट नंबर 0 के ऊपर अगर मैं इक्वल टू आया, तो NFA के अंदर मैं इसके अंदर भी चला जाऊंगा, इसके अंदर भी चला जाऊंगा। तो DFA कंबाइन करते हुए हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि मैं दो या दो से ज़्यादा ट्रांजिशन ना करूँ। और दूसरी चीज़, हमें एक्सेप्ट स्टेट को, मतलब ट्रू या फॉल्स रिटर्न करने के बजाय अब हमें टोकन का नाम रिटर्न करना है कि हाँ, अगर मेरी ये फाइनल स्टेट है, इसके कोरस्पॉन्डिंग मेरा कौन सा टोकन है। तो इससे मेरी सारे जो DFA हैं वो एक ही टेबल के अंदर कंबाइन हो जाएंगे, तो हमें बहुत ज़्यादा फंक्शन कॉल वगैरह नहीं करने पड़ेंगे, ठीक है। अगली वीडियो के अंदर हमने अब तक जो भी DFA बनाए हैं उनको कंबाइन करेंगे। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।